पीएम मोदी डिजिटल भारत सप्ताह प्रारंभ करावशे। गांधीनगर महात्मा मंदिर में कार्यक्रम आयोजन कर सांजे 6 वागे अमदावाद की दिल्ली परत जवा नरेन्द्र मोदी रवाना थशे। महात्मा मंदिर में कार्यक्रम आयोजन कर एक दिवसीय प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात आ पहुंचा है। गांधीनगर थी मिली रहा है आ दृश्य। पीएम मोदी डिजिटल भारत सप्ताह आज प्रारंभ करावाना है। आ कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति प्रधानमंत्री की है। गुजरात प्रवासे आया है। सांजे 6 कलाके दिल्ली परत फरशे। डिजिटल भारत सप्ताह पीएम हस्ते प्रारंभ कर। राजेन्द्र सिंह परमार जोड़ाया है, विगतों प्राप्त करीशु। राजेन्द्र, पीएम मोदी डिजिटल भारत सप्ताह प्रारंभ करावा माटे गांधीनगर आवी पहुंचा है, केटला समय में कार्यक्रम की शुरुआत थशे अने शुं विशेषता है आखरे आ कार्यक्रम की? चौक्सती तमाम जे सरकारी सेवाओं से सेवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म थकी जोड़ी आम जनता सुधी पहुंचाड़ आ एक महत्व कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया के जेमा तमाम जे सरकारी सेवाओं है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरू पड़ूँ। आजे वडाप्रधान हस्ते 10 जेटली नवी डिजिटल सेवाओं की शुरुआत थवानी छे। महात्मा मंदिर खाते कार्यक्रम योजा रह्यो छे। आपणे दृश्य में अत्यारे बतावा मांगू छुं कि अहींया समग्र देश में थी डिजिटल सेवाओं साथे जोड़ायेला जे आईटी प्रोफेशनलो छे ते अहींया पहोंच्या छे भाग लेवा माटे। 4-30 कलाके वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पण अहींया महात्मा मंदिर खाते पहोंचशे अने त्यारबाद विधिवत रीते कार्यक्रम की शुरुआत थशे। आज थी आ डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत थशे अने 9 जुलाई सुधी आ जे कार्यक्रम उजवणी छे ए चालवानी छे। महत्वनी वात छे के जे डिजिटल सेवाओं के जेमा खास करीने डिजिटल इंडिया छे जेमा जे आर्थिक डिजिटल व्यवहारों छे अथवा तो आधार कार्ड आ कार्ड जीव जे सेवाओं छे ये पण डिजिटल सेवाओं में आवी छे अने हवे आ डिजिटल सेवाओं ने वधारवा माटे आ सरकार द्वारा 10 नवी सेवाओं शुरू करवामां आवशे। जेमां खास करीने जे सरकार ने लगती जो विविध योजनाओं छे एने डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरू पाड़ी अने सामान्य जनता सुधी जेवी रीते के जे अत्यारनी जे ग्राम पंचायत की वात करीए तो ग्राम पंचायत में पण अत्यारे तमाम जे डिजिटल सेवा सुविधाओं पूरी पाड़वामां आवी रही छे। जेना थकी खेडूत होय अथवा तो आम जनता होय पण ए सेवानो लाभ लई रही छे। एवी रीते सरकारनी तमाम जे सेवाओं छे एने डिजिटल प्लेटफॉर्म आपी अने आम जनतानुं आम लोकोनुं काम सरळ बने ए माटेनुं आ एक महत्वनुं आयोजन केन्द्र सरकार द्वारा करवामां आव्युं छे अने हवे 10 जेटली नवी डिजिटल सेवाओं चली रही छे। जे रीते डिजिटल प्लेटफॉर्म थकी जे आर्थिक व्यवहार होते डिजिटल बैंकिंग हो अथवा तो आर्थिक व्यवहारों हो अत्यारे जे रीते एनी सुविधा जे ऊभी करवामां आवी छे अने एनाथी व्यक्तिनुं काम जेटलुं सरळ बन्युं छे ए रीते अन्य जेवी 10 सेवाओं शुरू करवामां आवे जेनाथी जे आम जनता छे समग्र देशमांथी अने राज्यनी आम जनता ने पण सीधो फायदो मळशे। राजेन्द्र, खास करीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केटला समय में त्यां पहोंचे तेवी संभावनाओ जोवा मळी रही छे अने शुं विशेष कार्यक्रम तेमनी उपस्थिति में योजावानो छे? चौक्सी 4-30 कलाके वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी महात्मा मंदिर खाते पहोंचे। अत्यारे अपने फरीथी दृश्य बतावा मांगीशुं कि अत्यारे महात्मा मंदिर खाते जे तमाम प्रकारनी जे तैयारीओ छे पूर्ण करी देवामां आवी छे। आ कार्यक्रमनी खास विशेषता ए छे के वडाप्रधान हस्ते 10 जेवी नवी डिजिटल सेवाओनो शुभारंभ करवामां आवशे। आजे 10 जेटली जे सुविधाओ छे एमां इंडिया स्टेक ग्लोबल माय स्कीम मेरी पहचान डिजिटल इंडिया भाषिनी डिजिटल इंडिया जेनेसिस चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम तथा कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया आज वगैरह जेवी जे नवी जे सेवाओं छे एनो लॉन्चिंग वडाप्रधान हस्ते करवामां आव्युं छे। आ उपरांत महात्मा मंदिर खाते 200 जेटला डिजिटल स्टोल तैयार करवामां आवे छे जेमां व्यक्तिनी जीवनशैलीमां विविध सेवाओं छे
એ સેવાઓ ડિજિટલનું એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવી શકાય એનું પ્રદર્શન પણ આ સ્ટોલમાં કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે 4:30 કલાકે વડાપ્રધાન અહીંયા મહાત્મા મંદિર ખાતે પહોંચશે અને ત્યારબાદ કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે. ધન્યવાદ રાજેન્દ્ર.